नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा होगी यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है और आज सुबह कमोडिटी बाजार में वो कौन सी कमोडिटीज हैं जो मंदी तेजी के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है। पूरा दिन आज ट्रेडिंग बाजार कैसा देखने को मिलेगा और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, गेहूं पर देख चुके हैं कि सरकार के काफी ज्यादा फैसले आ चुके हैं। पहले गेहूं के निर्यात को प्रोत्साहन देना, फिर गेहूं का निर्यात बैन कर देना, फिर दोबारा से गेहूं के निर्यात को थोड़ी मात्रा के लिए चालू कर देना, और अब फिर जब तुर्की और मिस्र ने भारत का गेहूं लौटा दिया है तो भारत ने जितने भी निर्यात ऑर्डर्स थे वो सारे खारिज कर दिए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अभी गेहूं के जो दाम है घरेलू मार्केट में यहाँ पे कुछ कम होते नजर आ सकते हैं क्या? देखिए, हल्का फुल्का करेक्शन बन सकता है इस खबर के चलते, लेकिन बहुत ज्यादा कोई फिलहाल डाउनसाइड एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि विदेशी बाजारों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी गेहूं के अंदर बनती हुई दिखाई दी है और अभी भी जो मार्केट है वो पॉजिटिव है। और अब जिस तरीके से डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट्स में उसको पूरा करता हुआ इंडिया जो है वो आगे आ सकता है। अभी जरूर एक बार बैन लगा दिया गया और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट के सौदे जो है वो रद्द किए गए हैं, उसका एक असर हल्का फुल्का आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल के लिए प्राइजेस जो है वो नीचे दिखाई नहीं देते हैं। अभी आगे चलकर मुझे लगता है कि और ज्यादा बूस्टअप कीमतों के अंदर देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलरेडी हम तेजी देख रहे हैं और इसका असर भारतीय बाजारों पर आता हुआ दिखाई दे सकता है, और गेहूँ यहाँ से फिलहाल मंदी में नहीं है, सस्टेन कर सकता है इन लेवल्स पर और आगे चलकर तेजी बन सकती है। जी, इसी रूप जी बात करें अगर M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन में हमने देखा है कि 45,000-40,000 पर अब ट्रेडिंग हो रही है। 43,000 का लेवल नीचे में टच करने के बाद अब कॉटन रिवाइव भी हुई थी, लेकिन रूपा जी अभी भी ऐसी खबरें हैं कि कॉटन की जो स्विंग है वो ज्यादा रह सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर देखें तो कॉटन की जो प्राइसेस हैं वो थोड़े नीचे गए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या कॉटन अब यहां से नीचे की ओर जाएगी या फिर कॉटन के जो दाम है वो ल्यूक्रेटिव बने रहेंगे? देखिए, मुझे क्वार्टर में बहुत ज्यादा तेजी फिलहाल दिखाई नहीं देती है। मुझे लगता है कि आगे चलकर प्रेशर ही बना रहेगा। अभी जो निचले स्तरों से रिकवरी आई है यहाँ पर मार्केट एक बार सस्टेन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो मुझे गिरावट वाला लगता है, क्योंकि इस बार अच्छे प्राइजेस होने के चलते प्रोडक्शन भी अब अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि पहले काफी समय से हम देख रहे थे कि प्राइजेस जो है वो नॉर्मल चल रहे थे, सस्टेन थे, तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इस बार नहीं देखने को मिला और इसका नतीजा ये हुआ कि कपास इस बार रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। और अब ऊंची कीमतों के चलते किसान काफी मोटिवेट हुए हैं और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि कपास का रकबा जो है वो बढ़ सकता है, तो प्राइजेस जो है अब यहाँ पर पीक पर निकल चुके हैं और अब सस्टेन कर रहे हैं। करेक्शन के बाद हल्की रिकवरी शॉर्ट कवरिंग आई है ऊपरी स्तरों पर, लेकिन यहाँ पर मार्केट सस्टेन होता है बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता। मेरे हिसाब से कॉटन में आगे चलकर गिरावट बढ़ सकती है। जी, ये सर जी बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में आपको कैसा रुझान लग रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में तो देख रहे हैं कि प्राइसेस तेजी की ओर है, क्या घरेलू मार्केट में भी जो प्राइसेस हैं वो तेजी वाले ही बने रहेंगे या फिर यहाँ पे कुछ करेक्शन की उम्मीद है अब? देखिए, खाद्य तेलों की जहां तक बात है, अभी थोड़ा सा मार्केट जो है वो करेक्ट होता हुआ जरूर दिखाई दिया है। सरसों में हमने 10 से 20 रुपए प्रति लीटर की गिरावट आते हुए देखी है। सोयाबीन में भी फिलहाल के लिए जो है ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि इंडोनेशिया से जब से पाम ऑयल का इम्पोर्ट शुरू हुआ है उसके बाद से कीमतों में गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है और बाजार जो है नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा प्रेशर में मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उसका असर भी हमें कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है और सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से खाद्य तेल जो है वो थोड़ा सा सस्टेन करते हुए निचले स्तरों पर दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो सस्टेनेबल है, बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्ट नहीं है। मुझे लगता है कि आगे चलकर बाजारों में तेजी का रुझान जो है वो बन सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, मसालों में क्या लगता है, मसालों में देख रहे हैं कीमतें यहाँ पे कुछ करेक्ट हुई हैं? देखिए, मसालों में बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, डाउनसाइड जरूर मसालों की कीमतों में अभी फिलहाल थोड़ा सा राहत मिली है, जो लगातार तेजी देखने को मिल रही थी उस पर एक विराम लगता हुआ दिखाई दिया है और आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि मसाले भी तेजी की तरफ रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि मसालों के अंदर हल्दी आगे चलकर अच्छा परफॉर्म कर सकती है और हल्दी के साथ साथ
जीरा भी देखिए लगातार 21,000 के ऊपर सस्टेन है और धनिया भी अपने लेवल्स को बनाए हुए है। तो फिलहाल करेक्शन नहीं है, जो भी करेक्शन आती है उसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें बाइंग करके चला जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटली काफी सपोर्टिव है और मुझे लगता है कि मसाले आगे चलकर तेजी में बने रह सकते हैं। जी रूपा जी, मसालों की तरह ग्वार में भी हमने यहाँ पे करेक्शन आती हुई देखी है। ग्वार का बाजार देख रहे हैं ज्यादा टूटा है मसालों के मुकाबले, तो आपको क्या लगता है क्या ग्वार में यहाँ से अभी जो लेवल्स है वो और नीचे जाएंगे या फिर यहाँ से सपोर्ट ले जाएंगे और लो लेवल बाइंग इनिशिएट होगी? देखिए ग्वार की जहां तक बात है, सीड जो है वो लुढ़कती हुई दिखाई दी है और वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा अभी फिलहाल पोटेंशियल दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, गम अभी भी सस्टेन करता है, दिखाई दे रहा है ऊपर 10,000 के, तो गम में थोड़ा सा उम्मीद है कि यहाँ से वापिस से मार्केट जो है वो रिकवरी में जा सकता है और प्राइजेस के अंदर एक तेजी का रुझान बन सकता है। तो मेरे हिसाब से गम के अंदर पोजिशन जो है वो पॉजिटिव लेकर चला जा सकता है। सीड में बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अगर सीड उठता भी है यहाँ से वापिस से तो 6,000 तक एक बार सस्टेन कर सकता है ऊपरी स्तरों पर। ऑलरेडी हम इसको 5,700 के आसपास देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सीड जो है नीचे में 5,680 का अगर लेवल, जैसे आज हमने देखा इसने ब्रेक किया लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं आई, अगर यहाँ से नीचे सस्टेन कर जाता है तो आपको 5,600 तक भी लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके अवज में अगर देखा जाए तो गम में गिरावट उतनी नहीं है, तो गम मुझे पॉजिटिव लगता है। 10,800 के आसपास अगर गम आता है तो 10,000 के स्टॉप लॉस के साथ अगस्त वायदा में बाय करके चला जा सकता है। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हम देख रहे हैं कि 2800 से 2900 का लेवल अब कहीं ना कहीं टच होता हुआ नजर आ चुका है और देख रहे हैं कि इस दायरे में भी कारोबार कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्या अब बिनौला खल में फिर से वो तेजी वाले दिन आने वाले हैं, क्या बिनौला खल फिर से 3,000 या उसके ऊपर जाने वाला है? देखिए 3,000 कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, हो सकता है कि आपको आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि नीचे में भी 2700 के नीचे नहीं लुढ़का मार्केट और 2700 से अगेन हमने सपोर्ट लेते हुए इसको देखा और जिसके चलते 2900 के आसपास है। लेकिन अभी फिलहाल जो है मुझे लगता है कि इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो 2920-2940 मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है आपको देखने को मिले, जबकि जुलाई वायदा ऑलरेडी 2900 के ऊपर है, उसमें 3,000 का स्तर संभव है कि बन सकता है। जी रूपा जी इसी के साथ कैसे सीड में क्या लगता है? देखिए कैस्टर वही लेवल्स हैं, अगेन 7500 के आसपास आकर खड़ा हो गया है और अब यहाँ पर देखिए पहले भी हमने देखा इसको 7500 से लुढ़का था, 8,000 का स्तर इसका भी थोड़ा बनता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, जो ये तेजी में आ रही है रैली, इसके चलते हो सकता है कि आपको 7620 तक के स्तर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी सरसों सोयाबीन में क्या सलाह रहेगी आपकी अगर सीड्स की बात की जाए तो? देखिए सरसों और सोयाबीन में फिलहाल के लिए बाइंग तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और जिनके पास रखा है वो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट करेक्शन में दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि हल्की गिरावट बनी रह सकती है। जी रूपा जी एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप? देखिए एग्री कमोडिटीज में अगर टॉपिक की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अभी भी मसालों में काफी पोटेंशियल है, तो उसके अंदर बाइंग पोजिशन बनाकर चला जा सकता है। हल्दी अच्छी लग रही है यहाँ से, हल्दी के अंदर अगेन मैंने हमेशा ये बोला कि 8,000 के नीचे अगर फिसलती है तो अगले वायदा में बाइंग पोजिशन बनाकर चला जा सकता है। जीरा भी यहाँ से अच्छा लग रहा है, 21,500 से 21,800 का स्तर जीरे में भी जुलाई वायदा में बन, ऑलरेडी हम देख चुके हैं 21,800 तक जुलाई वायदा था, जबकि जून वायदा 21,500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इन दोनों में ही बाय करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और आज इंट्राडे में क्या क्या लेवल्स रह सकते हैं। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।